Good morning friends, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. Today 1st February 2019, Friday है आज. आज week का last day है, पर आज जो कि काफी important दिन है, budget का दिन है आज, ठीक है? नया month भी शुरू हो रहा है, तो आज Nifty का analysis भी करेंगे और उसके साथ Bank Nifty का भी analysis करेंगे. मंथली चार्ट से शुरू करेंगे, फिर वीकली चार्ट में और फिर डेली चार्ट में, और उसके बाद इंट्राडे स्ट्रेटजी बनाएंगे. लेकिन उससे पहले जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हम रोज सुबह ये निफ्टी एनालिसिस का वीडियो पब्लिश करते हैं अराउंड 8:30 AM. तो अगर आपने सब्सक्राइब किया है चैनल और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस किया है, तो आपके मोबाइल के ऊपर उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप मार्केट आवर्स के पहले इस वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है? और एक बात है, ट्रेडिंग फैब ऑथोराइज पार्टनर है ZERODHA और UPSTOX का, जो कि डिस्काउंट ब्रोकरेज फॉर्म से इंडिया में. अगर आप इन दोनों में से कोई एक अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर ओपन करते हैं तो ट्रेडिंग फैब की प्रीमियम सर्विसेज आपको फ्री में मिल सकती है, ठीक है? आप यहां से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. तो ये था एक ट्रेडिंग फैब के बारे में छोटा सा इंट्रो. शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस. लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. ये एक पिक्चर है 31 जनवरी, यानी कल का आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, तो अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर उसकी आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगी. तो कल के स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमारा ब्रेकआउट लेवल था 10,710 और फर्स्ट टारगेट था 10,735. और अगर साउथ की तरफ अगर मूव होता है तो ब्रेक डाउन लेवल था 10,606 और फर्स्ट टारगेट था 10,583. ये 10 मिनट का चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का. तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ब्रेकआउट लेवल जैसे ब्रेक होता है, उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट भी यहाँ पर अचीव्ड हुआ और सेकंड टारगेट 10,755 ये भी अचीव्ड हुआ. तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग कल यहाँ पर 45 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और अराउंड अगर 10 लॉट के हिसाब से ट्रेड करते तो 33,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का, कल के स्ट्रेटेजी का एक क्विकली रिव्यू. तो चलते हैं सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के क्या हालात है, क्या सिचुएशन है वो देखते हैं. कल अमेरिकी बाजार में डाउ जोन्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, हालांकि नासडैक में 98 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली. यूरोपियन मार्केट भी देखे तो हल्के से बढ़त के साथ ट्रेड हो रहे थे, प्रेशर थोड़ा सा वहां पर भी दिखाई दिया. आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्केई और चाइना मार्केट हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, हालांकि हांगकांग मार्केट हल्की सी कमजोरी वहां पर दिखा रहा है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी फिलहाल 38 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, और एसजीएक्स निफ्टी भी 39 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. जो कि आज बजट का दिन है तो काफी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है, तो जो सेफ ट्रेडर्स है, फ्रेशर्स है स्टॉक मार्केट में, आज अवॉइड करें ट्रेड करना, क्योंकि जो वोलेटिलिटी है उसका अंदाज आना बहुत जरूरी होता है. काफी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स रहते हैं, वो इसे काफी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं इस वोलेटाइल मूव को. अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिर्फ वेट एंड वॉच करें, फ्राइडे है वीकेंड इंजॉय करें, देखें का जैसे ही बजट शुरू होता है तो क्या मूव्स हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है, ठीक है? तो बजट के बारे में भी बात करेंगे. हालांकि बजट कैसा होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में कहे तो बजट लोगों को राहत देने वाला होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही इंडस्ट्रीज को फायदा होना चाहिए, और इसका असर सरकार के तिजोरी पर गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तिजोरी से पैसा खत्म होगा सरकार के तो इसका असर करंट अकाउंट डेफिसिट पे करेगा, ठीक है? अभी इलेक्शंस आ रहे तो हो सकता है लोगों के लिए काफी राहत भरे प्लान्स गवर्नमेंट के तरफ से आए, लेकिन इससे क्या होगा, सरकारी तिजोरी खत्म हो जाएगी और इसका असर करंट अकाउंट डेफिसिट पे गिर सकता है. बजट ऐसा होना चाहिए कि लोगों को भी राहत मिले, इंडस्ट्रीज को भी फायदा हो, और जो गवर्नमेंट का अर्निंग्स है वो कम ना हो, वो बढ़े, ठीक है? तो देखते हैं बजट कैसा होगा, इसके ऊपर आने वाला ट्रेंड निर्भर करता है, ठीक है? तो शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस से. ये है निफ्टी बैंक का स्पॉट इंडेक्स का चार्ट. मंथली चार्ट से शुरू करेंगे. मंथली चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बुलिश है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि 20, 50 और 100 जो कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है, उसके ऊपर मंथली चार्ट में बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है. हालांकि ये जो सितंबर मंथ का स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक है, इसका हाई और लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, इसके बीच में ये ट्रेड कर रहा है,
ठीक है, तो यहां पर एक कंफर्मेशन नहीं है ट्रेंड का, इस बियरिश कैंडलस्टिक के रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। हालांकि अगर आप देखें ध्यान से तो यहां पर हायर हाई हायर लोज का पैटर्न जो कि बुलिश पैटर्न है ये बन रहा है, लेकिन इसे ब्रेक करना, बियरिश कैंडल के हाई को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो ऊपर 28,200 का रेजिस्टेंस है और नीचे ये जो 20 EMA का लाइन है, पिंक लाइन, ये सपोर्ट का काम करते आ रहा है। तो ये अभी फिलहाल अराउंड 25,298 यानी ऑलमोस्ट 25,300 के पास है। ठीक है, तो एज पर मंथली चार्ट ये अभी एक रेंज बाउंड मूव में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, ये है मंथली चार्ट का सिनेरियो, बुलिश स्ट्रक्चर है मंथली चार्ट में बैंक निफ्टी का। इसे वीकली चार्ट में अभी कन्वर्ट करते हैं। ये है वीकली चार्ट, यानी हर एक कैंडलस्टिक अभी उस वीक का हाई लो ओपन और क्लोज प्राइस हमें प्रेजेंट कर रहा है। वीकली चार्ट में भी स्ट्रक्चर बुलिश है, 20, 50, 100 और इसके ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। अगर आपने हमारा पास्ट वीडियोस देखा होगा तो हमने यहाँ पर लाइन चार्ट में यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्मेशन का पैटर्न आइडेंटिफाई किया था और उसके बाद हमने यहाँ पर नेक लाइन के ब्रेकआउट के बाद एक जबरदस्त अप मूव बैंक निफ्टी में देखा एज पर वीकली चार्ट। ठीक है, तो ये जो फॉल था इसका मैं अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल अगर ड्रॉ करूँ और यहाँ पर और एक लेवल में ये ऐड कर देता हूँ 78.2%। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस फॉल का जो 78.2% का ये जो लेवल था 27,484 इसका ये लेवल इसने एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया है। तो यहाँ ये हर्डल का काम कर रहा है, 27,484 ये हर्डल का काम कर रहा है। अभी जो ये बॉटम डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद अप साइड मूव आया है इसका अगर अभी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल निकाले तो इस अपमू का 38.2% का ये जो लेवल है 26.26411 इसने ये अचीव किया है और यहाँ पर इस सपोर्ट इसने टेस्ट करके फिर से एक बार बाउंस बैक दिखाया। ठीक है, तो ऊपर में ये जो 27,754 का लेवल है ये अभी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यही लेवल एग्जैक्ट पास्ट में यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस का काम किया था और यहाँ से एक हमें फॉल दिखाई दिया था। तो आज अभी कौन सा ट्रेंड यहां से हमें देखने को मिलेगा यह बजट के ऊपर निर्भर कर सकता है। ठीक है, यहां पर एक देखें तो ये हर्डल का लेवल है, यहां पर ये जो लास्ट पास्ट में भी यहां पर इसने 27,652 के पास यहां पर एक डाउनफॉल दिखाया था इस लेवल के बाद, तो हो सकता है यहां पर फिर से एक बार वो मुंह दिखाई दे, लेकिन हालांकि बजट के ऊपर ये सब निर्भर करता है बजट कैसा होगा। ठीक है, एज पर वीकली चार्ट ऊपर रेजिस्टेंस 27,754 का रेजिस्टेंस है, इन नीचे 20 EMA जो कि 26,732 के पास है और ये जो वीकली चार्ट में 50 EMA है वो लगभग 50% का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है उसके आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स है। ठीक है, बजट क्या होगा कैसे होगा हम इसका एनालिसिस नहीं कर रहे, हम चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो चार्ट में ये लेवल्स है, अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हमें नेक्स्ट फर्दर ट्रेंड का पता चल सकता है। ठीक है, तो ये है वीकली चार्ट बैंक निफ्टी का। डेली चार्ट में देखते हैं, डेली चार्ट में यहाँ पर एक सुपर पैटर्न कैंडलस्टिक का यहाँ पर बना था, इसको कहते हैं, मैं ये क्लोज कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखे। यहां पर एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न यहां पर फॉर्म हुआ था जो कि ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो यहां से एक हमें अप मुंह दिखाई दिया है। ठीक है, तो 20, 50, 100 डेली चार्ट में भी अभी फिलहाल स्ट्रक्चर बुलिश बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 20, 50, 100 के ऊपर क्लोज हुआ है। अभी कंफर्मेशन चाहिए, ये सिग्नल मिला है कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए और एक कैंडलस्टिक यहाँ पर बनना चाहिए। ऊपर ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, हमने वीकली चार्ट में देखा 27,650 ये लेवल भी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है यहाँ पर। तो स्ट्रक्चर फिलहाल तीनों डेली वीकली और मंथली चार्ट में बुलिश स्ट्रक्चर है। आज बजट का दिन है तो पिक्चर क्लियर होने दे, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रेड कौन सा लेना है। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलते हैं वीकली निफ्टी के चार्ट के ऊपर, नया मंथ शुरू हो रहा है तो मंथली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है निफ्टी का मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में अगर आप देखें तो ये जो अक्टूबर का यहाँ पर कैंडलस्टिक बना हुआ है इसका हाई और लो
मंथली चार्ट में 3 महीना हो चुका है, इसका हाई और लो अभी तक ब्रेक नहीं किया है, फ्लैट पैटर्न है, साइडवेज पैटर्न है, यानी यहाँ पर कंफ्यूज है बुल्स और बियर्स एज पर मंथली चार्ट, ना ही हायर हाई यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ना ही लोअर हाई लोअर लो फॉर्म हो रहा है, तो ट्रेंड अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं है, साइडवेज पैटर्न है एज पर मंथली चार्ट ऑफ निफ्टी इंडेक्स, ठीक है। 20 EMA का सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है जो कि अराउंड 10,437 के पास है, और ऊपर ये जो हाई है लास्ट वीकली चार्ट के हिसाब से अक्टूबर मंथ का हाई 11,035 ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। चलते हैं वीकली चार्ट में, वीकली चार्ट में देखें तो कल यहाँ पर ये 50 EMA जो कि अराउंड 10,675 के पास है वहाँ पर फिर से एक बार इसने सपोर्ट टेस्ट किया, जो कि पास्ट में इसने कई बार यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया था ये है, और अभी फिर ये फिफ्थ टाइम यहाँ पर इसने सपोर्ट टेस्ट किया है, तो ऊपर 10,880 का हर्डल है और नीचे सपोर्ट बन रहा है 10,675। वीकली चार्ट में क्लियर यहाँ पर साइडवेज पैटर्न दिखाई दे रहा है, 7-8 वीक हो चुके हैं इस एक रेंज के अंदर ये ट्रेड हो रहा है, तो ये आने वाले ट्रेंड की जबरदस्त ट्रेंड की आहट है ये, ठीक है। जब भी ऐसा साइडवेज पैटर्न होता है तभी एक जबरदस्त ट्रेंड आता है, तभी वो अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड, ये जब इसका ये जो रेंज बाउंड एरिया है ये जब तक ब्रेक ना करे तब तक हमें उस ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं मिल सकता, ठीक है। यहां पर अगर ध्यान से देखें वीकली चार्ट में, अगर ध्यान से देखें तो यहां पर एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बन सकता है, ठीक है। ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, ये हम एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसा पैटर्न यहाँ पर बनने की अभी उम्मीद यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो ये होता है लेफ्ट शोल्डर, ये होता है हेड, और ये अभी बन रहा है राइट शोल्डर, अभी बना नहीं है, हो सकता है ये पॉसिबिलिटीज है, हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता है बजट कैसा होगा, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इलेक्शंस है, इलेक्शंस में लग रहा है कि फिर से एनडीए की सरकार आ सकती है, लेकिन जैसे 2003 में लग रहा था कि एनडीए की सरकार आ सकती है, हालांकि अपोजिट पार्टी का अलायंस जो हुआ था वो सरकार उससे बनी थी, तो अभी कहा नहीं जा सकता, इलेक्शंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये हेड एंड शोल्डर अगर पैटर्न बनता है और इसका जो ये नेक लाइन बनेगा, ये जो नेक लाइन बनेगा यहाँ पर, ये अगर ब्रेक होता है तो हमें यहाँ से फॉल एक निफ्टी इंडेक्स में दिखाई देता है। हो सकता है कि बजट अच्छा हो या इलेक्शन के पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, तो यहाँ से सपोर्ट लेकर ये जो 50 EMA का यहाँ पर हम सपोर्ट देख रहे हैं बार बार ले रहा है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक आए और इस जो लेफ्ट शोल्डर का जो हाई है इसे ब्रेक करे, ठीक है, तो ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पर फॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये रेंज अगर ब्रेक नहीं हुआ लेफ्ट शोल्डर का हाई, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि हेड एंड शोल्डर जो कि डाउन ट्रेंड का पैटर्न होता है ये यहाँ फॉर्म हो सकता है, ठीक है। ये आने वाले फंडामेंटल इवेंट्स के ऊपर निर्भर करता है, तो हमें इलेक्शन के रिजल्ट ऐसे ही आएंगे या फिर ऐसा ही होगा ये प्रिडिक्ट करके चलना काफी गलत हो सकता है। हमें प्लान ए प्लान बी दोनों के साथ रेडी रहना बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट में, तो ये अभी पॉसिबिलिटीज है, ऐसा ही होगा कहा नहीं जा सकता। चार्ट हमें अभी इस वक्त ये सिनारियो दिखा रहा है, तो ये है वीकली चार्ट का सिनारियो। चलते हैं डेली चार्ट में, डेली चार्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर, मैं इस सपोर्टिव इंडिकेटर्स को बंद कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर हमने लॉन्ग लेग डोजी कैंडलशिप का पैटर्न हमने आइडेंटिफाई किया था जो कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो ऐसा जब पैटर्न बनता है तो हमें पास्ट में कई बार यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट दिखाई दिया है, तो इस बार भी ये जो पैटर्न था इसने अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है, और ये जो हम कल बात कर रहे थे कि यहाँ पर एक जॉइंट रेजिस्टेंस बन रहा है मूविंग एवरेजेस का जो कि अराउंड 10,780 के पास है, उसे भी इसने कल ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक हमें फॉर्मेशन दिख रहा है, तो अगर ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो 10,882 एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल एक हर्डल है, और उसके बाद 10,950 जो कि लगातार वहां पर 2-3 बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया इस लेवल के पास, तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स है।
और अभी नीचे अगर मूव होता है तो 10,780, ये जो तीनों मूविंग एवरेजेस का क्लस्टर बन रहा है यहाँ पर 10,780 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, तो यह है डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट के ऊपर, क्विकली इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जो सेफ ट्रेडर्स हैं, नए हैं फ्रेश स्टॉक मार्केट में, फ्रेशर्स हैं, वो आज ट्रेड करना अवॉइड करें, काफ़ी वोलेटाइल मूव हो सकता है, हो सकता है स्टॉप लॉस आपका हिट हो सकता है। तो कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए ही ये अकॉर्डिंग टू प्लान है। अगर कल का हाई अगर ब्रेक होता है, कल का हाई अगर ब्रेक होता है, और इस जो ये पास्ट में ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स, तो ये इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,886, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 10,906, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, और अगर टूवर्ड्स साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो 100 EMA और पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है 10,782, ये एक ही लेवल के पास आ रहा है। तो 10,782 को अगर कंफर्टेबली ब्रेक करता है एज पर आर्ली चार्ट टूवर्ड साउथ की तरफ, तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी ये जो 50 EMA का ये जो लाइन है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर अराउंड 10,756, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट 10,726, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये थी बैंक निफ्टी और निफ्टी की स्ट्रैटेजी एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ, इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड।